अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपको ये इत्तला दे दें कि रियासत तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू में एक हफ़्ते की तौसी कर दी गई है, यानी नाइट कर्फ्यू एक हफ़्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये नाइट कर्फ्यू 8 मई तक जारी रहेगा। आइए अब देखते हैं हेडलाइंस। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का ऐलान, यरूशलम के शहरी जब तक नहीं होंगे शामिल तब तक फ़लस्तीन में नहीं होंगे इलेक्शन। इसराइल में यहूदियों की मजहबी रस्म बोनफायर के एक मेले में मची भगदड़। कोरोना के दरमियान हजारों की तादाद में जमा हुई यहूदी एक दूसरे के पैरों तले कुचले गए, 44 अफराद की हुई मौत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया को डाला हैरत में, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का दिया इशारा। कहा, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क, चाहते हैं ईरान की तरक्की। ईरान ने भी बयान का किया खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर की सवालों की बौछार। जरूरी दवाओं का प्रोडक्शन क्यों नहीं किया गया, गरीब कहां से लाएंगे वैक्सीन के पैसे, और सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन बेड दवाओं की पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई न करने का दिया हुक्म। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने रखी थी हकीकी आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद, 16 साल पहले फॉरेन से मदद लेने से कर दिया था इनकार। मोदी सरकार 16 साल पुरानी रिवायत तोड़कर फॉरेन एड, चैरिटी और गिफ्ट कर रही है कबूल। मोदी का आत्मनिर्भर का दावा निकला खोखला। और आज तक से वाबस्ता मशहूर टीवी एंकर और सीनियर जर्नलिस्ट रोहित सरदाना की हार्ट अटैक से हुई मौत। कोरोना से हुए थे मुतासिर, मीडिया हलकों में दौड़ी गम की लहर।